आज हम ऐसा स्वीट्स बनाएंगे जो कि देख कोई भी बना सकता है। हाँ जी, कोई भी बना सकता है। एक बार देखिएगा, आराम से बन जाएगा, बहुत कम टाइम में, मात्र 15 से 20 मिनट में बनने वाला स्वीट्स है। और ऐसा बनेगा ना कि आप खाइएगा तो मुंह में घुल जाएगा, और एकदम कम चीजों में बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम प्रगति। जो लोग नए हैं मेरे वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, एक कटोरा दूध, एक कटोरा सूजी, एक कटोरा डेजिग्नेटेड कोकोनट, कोकोनट पाउडर, आधा कटोरा चीनी, अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा जितना आप लोग मीठा खाते हैं, इलायची और कलर, बस इतना ही चीज लेना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं मिला है लेना है। सब जो भी ले रहे हैं हम, सब घर पे सबके अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले पैन में हम एक कटोरा दूध डालेंगे और आधा कटोरा चीनी, सॉरी। हम ऐसा मेजरमेंट लिए हैं जो कि कोई भी बना सकता है। आज हम कटोरे से मेजरमेंट लिए, कटोरे सबके यहाँ होते हैं तो सब इजी होगा बनाने में, इसलिए हम मेजरमेंट ऐसा लिए हैं। आप लोग जैसा मीठा खाते हैं उस हिसाब से मीठा लीजिएगा। हम एक कटोरा के दूध और एक कटोरा, मतलब सारा कुछ एक कटोरा लिए, बस चीनी आधा कटोरा लिए है। अब चीनी अच्छे से घुल गया है तो अब हम जो कोकोनट है उसका बुरादा डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम सूजी डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है और महक भी बहुत अच्छा देता है। कोई भी स्वीट्स बनाइए, इलायची का फ्लेवर ही अलग इन्हेंस कर देता है, तो इलायची पाउडर डालना ही चाहिए कोई भी स्वीट्स में जो घर पे बना रहे हैं आप। तो अच्छे से सबको मिला लेंगे, बहुत जल्दी ये 2 मिनट में तुरंत सूख जाता है क्योंकि सूजी है तो तुरंत सूख कर लेता है। तो अब हम जो कलर था ना उसको पानी में मिला लिए हैं, अब उसको डाल देंगे ऊपर से। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग के पास कलर नहीं है ना, खाने वाला कलर है ये, खाने वाला कलर आप लोग के पास नहीं है तो क्या कीजिएगा कि केसर को दूध में डाल के 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा तो उसका भी कलर आ जाएगा। तो उसको भी अच्छे से सबको मिला लेंगे। अच्छे से मिलाना है और इतना चलाना है ताकि जब आपका डो टाइप में बनने लगे, ठीक हो जाएगा खुद डो बन जाएगा। धीरे धीरे देखिए ठीक हो रहा है, अब डो बनने लग गया है। तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ध्यान रखिएगा कि फ्लेम आपका लो टू मीडियम ही रहेगा। अब चलिए हम इससे पेड़ा बनाएंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि गर्म में हाथ में सटेगा ना तो वो जलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब देखिए छूने लायक हो गया है, ज्यादा गर्म नहीं है, तो अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। ज्यादा ठंडा भी हो जाएगा ना तो वो सूखने लग जाता है, इसीलिए सहने तक अगर आप लोग छू के देखिएगा, अगर सह पा रहे हैं तो फिर बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो हाथ में हल्का सा घी लेंगे और तब बनाएंगे ताकि ज्यादा इजी रहेगा, हाथ में आपका चिपकेगा नहीं। अब बीच में ऐसे काजू ऊपर से टॉपिंग कर देंगे ताकि अच्छा लगेगा। अंगूठा का भाग को हल्का से उठा के ऐसे करके गोल करके और हल्का सा दबा दीजिएगा तो आपका पेड़ा बन जाएगा। आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, जैसा शेप देना चाहे, गोल फिर सिलेंड्रिकल, जैसा आपको अच्छा लगे, चौकोर। ऐसे ही सब पेड़ा धीरे धीरे करके बना लेंगे। गोल करिएगा, हल्का सा प्रेस करिएगा, आपका पेड़ा बन जाएगा। और सब में अब काजू ऊपर से, आप लोग अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं जो भी आपके पास हो। देखिए कितना कम समय में बन गया आपका,
प्रिपेयरिंग टाइम सिर्फ मात्र 10 से 15 मिनट के बीच रहता है। जब भी आपको बनाने का मन हो स्वीट्स, तो आप बना के तुरंत खा सकते हैं। तो मेरा आइडिया, मेरा रेसिपीज कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। एकदम नया स्वीट्स है ऐसा, आपको किसी के भी चैनल पे ये स्वीट्स नहीं मिलेगा, नए तरीके से खुद से बनाए हैं। अगर मेरा रेसिपीज आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए कितना अच्छा स्वीट्स बन के आपका तैयार है इतने कम समय पे, घर के चीजों से ही। कोई बाहर का चीज नहीं है अवेलेबल, जो रहेगा घर पे उसी से हम बनाएंगे। और कोई भी बना सकता है, इसको तोड़ के दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा देर आप फ्रिज में रख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो सेट हो जाएगा तो फिर खाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपका स्वीट्स बन के रेडी है, आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।